हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटरबडी। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप लोगों के लिए दो बाइक का ड्रैग रेस लेकर आया हूं। आज हमारे पास में है एक तरफ में न्यूली लॉन्च्ड E20 के साथ अपडेट यहां पर पल्सर 160 NS मॉडल और दूसरी तरफ में है हमारे पास में TVS की अपाची RTR 160 2V मॉडल। इन दोनों बाइक का मैं ड्रैग रेस करूंगा। दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कौन सी बाइक परचेज करें। तो यहाँ पर अगर मैं पावर की बात करूँ तो NS 160 में पावर मिलती है 17.2 PS की पावर मिलती है, 14.65 Nm के आसपास यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है और वेट है इसका अराउंड 152 kg के आसपास में। और यहाँ पर अगर मैं 2V की बात में बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 16.2 PS के आसपास पावर मिलती है, जो एक्जैक्ट होगा वो मैं डाल दूंगा। तो थोड़ा सा 1 PS के आसपास पावर में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 2V में क्या है, वेट जो है इसका काफ़ी कम है, अराउंड 138 kg के आसपास वेट आ जाता है। तो देखा जाए लगभग में 20 kg के आसपास वेट में डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर क्या है, दो राइडर हैं, हम ड्रैग रेस करेंगे और फिर क्या है कि एक राउंड कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड राउंड फिर राइडर चेंज कर लेंगे और उसके बाद करेंगे। तो मेरा वेट अराउंड है 78 kg के आसपास, राम है हमारे साथ में जिनका वेट अराउंड 80 kg के आसपास में। तो चलिए पहले मैं चलाने वाला हूँ 2V अपाची। देखो NS आगे निकल चुकी है अभी तो। पांचवे गियर पे टॉप स्पीड आ गई, टॉप स्पीड आ गई इसकी। देखो 117 के आसपास आ रही है टॉप स्पीड और अभी आगे निकल गई आपकी अपाचे। भाई लिमिटर ने बहुत परेशान कर रखा है यार। तो ये क्या, यहाँ पर NS तो पीछे रह गई। मुझे लग रहा था कि NS आगे जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2V आगे निकल गई है। देखते हैं राम हमें चेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 125 जा रही है अभी, 126। क्या ही रेसर बनेगा रे तू, जब लिमिटर ही आ जाता है तेरा, क्या ही रेसर बनेगा। तो भाई आप देख लो, एक 4V को एक 2V हरा के चली गई। लोग बोलते हैं कि 4V इंजन बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा पावर जनरेट करते हैं, क्या ही पावर है यार। तो यहाँ पर क्या है ना कि इनिशियली थोड़ा सा NS 160 आगे गई, लेकिन उसके बाद में क्या है कि NS 160 पीछे रह गई। मुझे उम्मीद थी कि 2V अपाचे पीछे रह जाएगी। अगर मैं कहीं 4V अपाचे से ड्रैग रेस करता तो हो सकता है और भी ज़्यादा डिफरेंस आता। तो यहाँ पर क्या है, 1 PS की पावर में डिफरेंस आती है। चलिए अभी क्या है कि बाइक यहाँ पर चेंज करते हैं और मैं यहाँ पर राम को दूंगा 2V अपाचे और मैं चलाने वाला हूँ अब NS 160। अरे यार बहुत जल्दी लिमिटर आ जा रहा है इसका। तो फिर 2V अपाचे आगे निकल गई। मतलब है यार NS 160, मतलब जो पुरानी वाली थी वो बहुत आगे जाया करती थी। अभी क्या है ना, अभी तो मजा ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो
यहाँ पर क्या है कि 2V अपाचे जो कि थोड़ा 1 PS के आसपास कम पावर मिलता है, वो यहाँ पर क्या है कि आगे निकल रही है। दो ही राउंड में 2V अपाचे आगे गई है, जिसमें हमने राइडर भी चेंज किया। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो ये E20 अपडेट के साथ में ये जो बाइक आई है, इसमें लिमिटर बहुत जल्दी आ जा रहा है और वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि हमने यहाँ पर क्या है कि पावर में भी 1 PS का डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे साथ में राम थे, सोलो ट्रेवलर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रैग रेस करते हैं। आप इनके चैनल पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे तो बहुत कम ड्रैग रेस देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ड्रैग रेस देखनी है तो आप राम के चैनल पे जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कैसा वीडियो लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।